देंगे क्लास सिक्स की ज्योग्राफी का चैप्टर वन, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का पार्ट टू, द सोलर सिस्टम। तो उसे स्टार्ट करते हैं। द सन, एट प्लैनेट सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। तो देखो, एक बार आपको लग रहा होगा कि ये सारे टॉपिक्स आपके लिए न्यू हैं, तो एक बार हम इसका सा शॉर्ट समरी चैप्टर की एंडिंग में भी पढ़ लेंगे। अभी हम चैप्टर को समझ लेते हैं, व्हाट आपकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन क्या है। सोलर सिस्टम क्या होता है? देखो, हमारा सोलर सिस्टम बना है सन, एट प्लैनेट सैटेलाइट्स और कुछ अलग सेलेस्टियल बॉडीज से, जिनको हम एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स बोलते हैं। अब ये जो है पूरा सोलर सिस्टम बनाता है, हम इसको सोलर फैमिली भी बोलते हैं। जो सन जो है वो हमारा हेड होता है। अब देखो, अब हाँ तो अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं इसे आगे से समझने के लिए। आप रहते हो अर्थ के अंदर, हम सब कहाँ रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं हम। अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, ठीक है। अब अर्थ किसके अंदर आता है? जैसे अगर आप कहीं भी रहते हो, कि जिस भी आप स्टेट में रहते हो, ओके, अब आप जिस भी स्टेट में रहते होगे, उस स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट होगा, है ना। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा एरिया होगा, वहाँ पे आप रहते होगे, है ना। लेकिन हम बोलते क्या है कि हम रहते इंडिया में हैं। इसी तरीके से, मतलब जैसे हमारा एड्रेस छोटे से छोटा होता जाता है, इसी तरीके से हमारी जो अर्थ है ना, वो भी एक अपनी स्पेसिफिक जगह पे है, वहाँ पे हम रहते हैं। यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। अब उस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज होती है। उन गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम हमारी गैलेक्सी बोल सकते हैं, आकाशगंगा। अब उसमें एक बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं, मतलब हम बोल सकते हो बहुत टाइप के सोलर सिस्टम होंगे, अलग 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 होते हैं। उसमें से एक हमारा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर प्लैनेट्स होते हैं। उन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है हमारी अर्थ। तो यहाँ पे हम देख सकते हो हमारे सोलर सिस्टम में, हाँ, सन जो है वो हेड होता है, क्योंकि सन बहुत सेंटर में है। वैसे यहाँ पे आपको जो डायग्राम है ये हाफ के उस पर बताया है, वैसे तो आप जानते हो सन हमारा होगा बीच में। सन के आजू बाजू इस तरीके से जो सन होगा, सन के आजू बाजू इस तरीके से रिंग्स होती है, जिसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो रोटेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मर्क्यूरी की लाइन है, वीनस की लाइन है, अर्थ की है, मार्स की है, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आगे हम। देखो, सन हमारा हेड होता है, सबसे पहला प्लैनेट जो पड़ता है वो होता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस, वीनस के बाद अर्थ है, फिर मार्स, उसके बाद हमारी एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद हमारे और प्लैनेट्स पड़ते हैं, चार यहाँ पे हैं, चार यहाँ पे प्लूटो था बट वो हट गए हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। यहाँ पे आप देख सकते हो हमको डिस्टेंस दिया है मिलियन किलोमीटर्स में, 1 मिलियन जो है वो 10 लाख होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है। अब देखो, यहाँ पे मर्क्यूरी का दिया है 1 ऑर्बिट अराउंड, एक ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज, 1 स्पिन ऑन इट एक्सिस। मतलब देखो, ऑर्बिट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक प्लैनेट अपने अपने एक्सिस, उनकी एक अपनी एक रिंग होती है जिसपे वो घूमते हैं सन के आजू बाजू। सपोज हम ये अर्थ ले लेते हैं, है ना। अब ये अर्थ है, अब ये जो अपने रिंग पे कवर करती है ना, ये मतलब देखो रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है, तो जो वह अपने ऑर्बिट पे कंप्लीट करती है, ठीक है, तो वो होता है ये जो ये कंप्लीट करती है 88। मतलब जैसे तो हम मार्स मर्क्यूरी का देख रहे थे, तो मान लो चलो ये मर्क्यूरी है, ठीक है। मर्क्यूरी अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है 88 डेज में, मतलब ये पूरा चक्कर लगाएगा। और स्पिन मतलब होता है कि जो इसका एक्सिस है, सपोज ये आपकी रिंग रही, ये आपका मर्क्यूरी है, अब यहाँ ये जो कवर करेगा ये करता है ये 59 डेज में। तो आप ये पूरा देख सकते हो, सारे प्लैनेट्स का हमको दिया है। तो आगे देखते हैं हम।
अब डू यू नो में हमको बताया है सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड. सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन. द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम. राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन. तो देखो यहाँ पे हमको बोला है कि सोल का मतलब होता है रोमन जो मैथोलॉजी है उसमें सन गॉड है, ठीक है. सोलर का मतलब होता है जो सन से रिलेटेड हो, तभी हम बोलते हैं सोलर फैमिली, सोलर सिस्टम. तो आप जो भी सोलर का यूज़ करते हो वो आप अपने वर्ड्स लिख सकते हो. जैसे हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, सोलर पावर यूज़ करते हैं, तो ये सब. अब आता है सन के बारे में. सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. सन जो है हमारा सेंटर में है सोलर सिस्टम के, सबसे क्या होती है, ह्यूज है, सबसे बड़ा है, और ये एक्सट्रीम हॉट गैसेस से बना हुआ है. इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बीन्स द सोलर सिस्टम. पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है सोलर सिस्टम को. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. सन जो है हमारा अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट के लिए सोलर सिस्टम के. बट दैट ट्रेमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच अब बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार. तो देखो सबसे ज़्यादा जो इसकी हीट पड़ती है वो मर्क्यूरी पे पड़ती है ना, और हमसे थोड़ा सा सन दूर भी है इसलिए हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ता. इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस. द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन. अब जो सन है हमारा वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से. अब आता है प्लैनेट्स. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम. द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. वैसे आप इनको याद भी कर सकते हो लाइन वाइज, या तो हमको एक ईजी वे याद करने के लिए यहाँ पे दिया है प्लैनेट्स का. माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व एज नर्स से आप भी याद कर सकते हो इनका फर्स्ट फर्स्ट वर्ड से. तो हमने देख लिया कि प्लैनेट्स क्या होते हैं. 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में जिनको हमने देखा पहले. प्लूटो था बट वो हट चुका है. और यहाँ पे हमको वर्ड ओरिजिन भी बताया है. पहले ये प्लैनेट का कवर कर लेते हैं. ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स. दिस पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के वो सन के आसपास अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं. इनके पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोज ये हमारा सन है. अब देखो ये सन है. अब इसके आसपास मान लो ये हमारा मर्क्यूरी रोटेट कर रहा है, ठीक है. सन है ये. अब ये हमारा मर्क्यूरी है. अब ये जो मर्क्यूरी जिस ऑर्बिट पे घूम रहा है, ये जो उसका ये चक्कर लगाने का जो हम बोल सकते हैं गोला टाइप का है, ये ऑर्बिट कहलाता है. मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन. मर्क्यूरी सबसे पास है सन के. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड और अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट. इसको सिर्फ 88 डेज ही लगते हैं अपने एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए. जैसे हमने उसमें भी देखा था, बाकी सारे प्लैनेट्स का भी पढ़ सकते हो. वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्वीन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू डैट ऑफ द सन, डैट ऑफ द अर्थ. वीनस को हम अर्थ ट्वीन भी बोलते हैं क्योंकि इसका शेप और साइज बहुत सिमिलर है हमारी अर्थ के. Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Sirius 2003 UB, discovered in recent past, may be called dwarf planet. अब देखो, अभी मतलब till recently इन्हें बोला है कि August 2006 में Pluto भी हम पहले planet मानते थे, लेकिन जो meeting हुई थी International Astronomical Union की, IAU की, एक डिसीज़न आया था कि जो प्लूटो है वो अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के जैसा है. सीरस 2003 में यू भी बोलते हैं. डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट हमने उसको डार्क प्लैनेट बोल दिया, ठीक है. बस आप इतना याद रख सकते हो प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं है, वो एक डार्क प्लैनेट होता है. अब वर्ड ओरिजिन देखते हैं हम. यहाँ पे हमको बोला है मैनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज. जितने भी हम यूज़ करते हैं हमारी लैंग्वेज में वो कई दूसरे लैंग्वेज से भी आते हैं. जैसे ज्योग्राफी एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड है. इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक. उसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक पे हुआ है. विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. जिसका जो डिस्क्रिप्शन है वो अर्थ से आता है. इट इज़ मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. ये दो ग्रीक वर्ड से बना है. जी मतलब अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग. फाइंड आउट मोर अबाउट. देखो जी मतलब हो गया अर्थ
और ग्राफिया मतलब हो गया राइटिंग, तो अर्थ की स्टडी या स्टडी ऑफ द अर्थ, देखो यहाँ पे हमको दिया भी है। जी जियो मतलब हमने मिलाया, लॉजी हुआ जियोलॉजी, स्टडी ऑफ द अर्थ जियोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, और जियोड रिसेम्बलिंग द शेप ऑफ द अर्थ और फॉर्म ऑफ द अर्थ। हम बोलते हैं ना कि अर्थ किस भी क्या होती है शेप की है, तो वो अब है। डू यू नो ह्यूमंस ऑल ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई, हम सब लोग नाइट को देखते हैं। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, तो वो जो स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज की और जितने भी मूवमेंट होते हैं स्पेस में, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एशियंट इंडिया, आर्यभट्ट सबसे फेमस एस्ट्रोनॉमर थे हमारे एशियंट इंडिया के। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, वो कहते थे कि जो प्लैनेट और मून है ये किससे क्या बोलते हैं रिफ्लेक्ट होता है सनलाइट से। अभी आप 8th की बुक में साइंस की बुक में देखोगे आपको पता चलेगा कि मून हमको कभी हाफ विजिबल क्यों होता है। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी